हेलो गाइस, श्रेयांश गेमिंग के एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि टॉप 10 प्रो टिप्स जो कि आप लोग को ड्यूटी थ्री वर्स में एकदम प्रो बना देगा। टॉप 10 टिप्स विच मेक यू प्रो इन ड्यूटी थ्री वर्स मल्टीप्लेयर। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको प्रो टिप्स जानने, टॉप 10 अगर आपको प्रो बनना है ड्यूटी थ्री वर्स में सब आपके सब दोस्तों से, तब इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर भी कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। और एक अभी हम लोग आए हैं तो चलिए गेम प्ले भी खेलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रो टिप्स दे दूँ मैं। सबसे पहला प्रो टिप्स ये है गाइस की आपके पास ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका गन का जो एक गोली है वो कितना एक बंदे का हेल्थ ले सकता है। इससे आप कोई बंदा मार सकता है, ठीक है, उसकी हेल्थ तो चली जाएगी, लेकिन जब जो स्नाइपर वगैरह में कोई ज़्यादा हेल्थ जाती है, जिसमें अगर आप स्नाइपर में ज़्यादा रीलोड लेने के लिए ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा एक गोली ज़्यादा छः गोली आती है, ठीक है, उसके अंदर आप वो बंदा मार सकता है। तो आपको कैसी गन चाहिए जिसमें किल भी एक गोली और किल भी ठीक ठाक हो और उस गन की जो गोली है वो फास्ट बहुत आ सके। तो इस लिस्ट में हमारी दो गन है, जो कि एक पहला गन है स्कैरल और दूसरा गन है टेक9 और तीसरा भी गन है जिसका नाम है SMG4। सबसे ज़्यादा अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा आपको SMG4 लीजिए, क्योंकि इस गन में आप लोग का 23 किल होते हैं एक गोली में और इस गन का गोली भी फास्ट निकलते हैं। तो इसलिए गाइस, अगर आपको प्रो बनना है और जो गन है आपको ज़्यादातर जैक स्ट्रीट में आप लोग को प्रो बना सकते हैं। नूप टाउन के लिए आप अलग अलग गन है, जैसे कि सेम गन यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो SMG4 आपके लॉन्ग स्कोप के लिए बहुत सही रहेंगे। तो इसे मैं SMG4 को भी अनलॉक कर लेता हूँ एक वीडियो ऐड देख के। तो आप एक वीडियो खुल गया, तो इस वीडियो को ऐड को देख के पता होगा हम लोग ड्यूटी थ्री वर्स में गन अगर ओपन करना होता है तो वीडियो ऐड देखना पड़ता है। तो सिंपली हम लोग वीडियो ऐड को देख लेंगे। तो वीडियो ऐड खत्म हो चुका है और गन हमारा सिलेक्टेड हो चुका है। 1 घंटे 29 सेकंड तक हम लोग इस गन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंडरी वेपन। वैसे तो अपने गेम खेलेंगे सेकेंडरी वेपन कुछ लेता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सेकेंडरी वेपन लेते हैं तो आप रॉकेट लॉन्चर ही लीजिए, ताकि एक बंदे का जो किल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। मेरे को ज़्यादा जरूरत में नहीं, ज़्यादा जरूरत भी नहीं सेकेंडरी वेपन की, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप रॉकेट लॉन्चर ही लीजिए, ठीक है। बाकी कस्टमाइजेशन वो आपके ऊपर रहता है। मैं वो बॉटरमेंट चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ये ब्लैक पहन लेता हूँ, ऊपर का ये वाइट पहन लेता हूँ और जूता मैं सोच रहा हूँ पहन दूँ ये कलर का रेड पहनता हूँ आज, तो रेड से सही लग रहा है आज। और स्किन कलर मैं सोच रहा हूँ ग्लासेस नहीं है आप लोग का, मैं स्किन टोन सोच रहा हूँ बड़ा ब्लैक रखूँ या येलो रखूँ। ब्लैक रखेंगे से ही लगेगा, ये वाला कलर भी है, ये वाला कलर भी है, तो मेरे को ये वाला कलर सही लग रहा है तो मैं ये वाला कलर रख देता हूँ। तो इससे अपना कैरेक्टर आप अपने उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तभी चलो एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग को। मैं जैक स्ट्रीट में मैंने SMG4 लिया है, ठीक है। तो अभी आप इसी गेम प्ले आपको मैं सेकंड टिप्स बताऊँगा प्रो टिप्स, ठीक है। मेरे टॉप 10 बोल रहे थे लेकिन टॉप 5 बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। टॉप 10 नहीं होते थे, टॉप 10 नॉर्मल होते हैं, आपको टॉप 5 बताऊँगा मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप, तो टॉप 10 ही बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमेशा स्कोप खोल के मारना चाहिए बंदे को, जैसे किसी बंदे को मेरा स्कोप खोल के मारता है देखो ये बंदा मर जाएगा। देखो अभी एक सेकंड से मोबाइल तो हैंग करा है इसलिए मैंने, देखो ये बंदा मर गया, देखो देखो ये वाला बंदा मर गया। अभी तो हेल्थ कम है मेरा, अगर इसके अंदर बंदे मार लेंगे तो बंदे दिखा मर गया हमें, ठीक है। तो हेल्थ कम है तो बंदे मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रो बनने के लिए गाइस आप लोग को एकदम हेल्थ अपना जो हेल्थ है वो भी एकदम से रखना है यार, ऐड आते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं देख लेते हैं ऐड बार बार, अगर किसी किसका बार बार ऐड आता है कमेंट सेक्शन में बता लेना। तो यहाँ पर मैं ऐड काट लेता हूँ, तो भाई ये भी फटाफट से, अरे यार फिर से स्टार्टिंग से गेम कैसे हो गया यार, गेम कट गया सेट यार, ही बेकार का मैं, क्यों मेरे मुंह से गाली निकल ली भाई, लेकिन इतना घटिया ऐड लेके भाई मेरे गेम पर उड़ा दिया। तो इस सेकंड प्रोटी मैं आप लोग को बताता हूँ गाइस, ठीक है। आई थिंक बता देता मैंने, तो कुछ झंझट के अंदर बता नहीं पाया आप लोग को मैं। तो सेकंड प्रो टिप ये है कि जैसे अब जैसे कि मैंने SMG4 ले रखा है आपने, जैसे देखा अभी, तो यहाँ पे जैसे मैं आ चुका हूँ, तो हमेशा स्कोप खोल के बंदों को मारिए, ठीक है, ताकि आपकी आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट हो पाए कि गोली एकदम सेम जगह पर लगेगी नहीं। जैसे कोई इस बंदे को मारने की कोशिश करते हो, बंदा हैंग हो रहा था, देखो ये बक्स निकल लगे हमका, तो स्कोप खुले में ये मर गया, देखो। तो ये भाई प्रो टिप से, ठीक है, इस बंदे को ऐसे मारा था गोली एकदम उसकी लग गया जगह, ठीक है। तो वो बंदा मर गया, ठीक है, पीछे से बंदा मार रहा है मेरे को, इस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ। ये बंदा बेसबॉल बैट लेके आया था, इस वजह से मेरे को मार लिया इसने, बनना तो मैं ही मार लेता इसको। तो बेसबॉल बैट जो बंदे लेके आए थे उनका चांसेस जीत जाएंगे, लेकिन बेसबॉल बैट से ज़्यादा अच्छा वो एम नहीं कर पाओगे। देखो ये बंदा गन पे अभी, तो इस गन को बंदे को मार लूँगा मेरे को, एक सेकेंड आई थी मार लूँगा इस बंदे को। तो एकदम स्कोप खोला मैंने, देखो बंद गया, मर गया बंदा, ठीक है, देखा स्कोप से कैसे होता है काम। तो इसलिए सेकेंड प्रोटी में भी याद रखिए, स्कोप खोल के आप
ऐसे ही बंदे को मार सकती है। बंदा मेरे को बाद में समय आ गया, थोड़ा सा मेरा मोबाइल हैंग चल रहा है ठीक है। तो मैं अच्छी गई, मैं तो कन्फ्यूज हूँ, एक नया मोबाइल खरीदने को हूँ, तो कौन सा मोबाइल को खरीदना चाहिए कमेंट बताया मेरे को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज यार मैं। और गाइज यार अभी यहाँ पे मैं जैसा कि यहाँ पे देख रहा हूँ, बस डेमो गेम प्ले सीरियस होकर नहीं खेला, वीडियो को लास्ट में खेलेंगे गेम प्ले ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया सेकेंड प्रोटिप ठीक है। अभी मैं आप लोग को बताऊँगा थर्ड प्रोटिप ठीक है। सबसे पहले मैं गेम में मेनू मेनू बना लेता हूँ, तो जो वो जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ थर्ड प्रोटिप ठीक है। थर्ड प्रोटिप से आपका जो क्या है वो सोइस। अबे यार ये बार बार क्यों ले आता है यार ऐसे, यार नहीं देखना यार, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस यार भी थर्ड प्रोटिप ये है, आप जैसे आपका स्कोप खोल के मारना है आप लोग को बंदे को, मैंने वो वाला प्रोसेस आप लोग को बता दिया। अभी थर्ड ये है कि आपको जो है अपनी हेल्थ मेंटेन करके चलनी है। बाई चांस अगर बंदे से आपको गोली पड़ जाती है और आप उस बंदे को मारने जाते हैं, बिल्कुल मत मारना है, तो बंदा आप ही को ही मार लेगा आपको। जैसे जैसे आपको करके उस जगह जो बंदा वहाँ पे खड़ा होगा उस जगह से आपको भागाना है, भाग के एक कोने में खड़ा हो जाके एक दो सेकंड का वेट कर लेना, फिर आपकी जब से हेल्थ बढ़ जाएगी अपना गन को रिलोड मार लीजिए, गन को रिलोड मार के उस बंदे को लिपट के आ जाइए। तो ये था आपका थर्ड प्रोटिप ठीक है। अभी फोर्थ प्रोटिप ये है कि हमेशा आप अपनी गन को रिलोड मार के चलिए, अगर आप SMG4 चला रहे हैं या फिर स्नाइपर ठीक है। गन हमेशा आपका एक गोली पड़ने के बाद रिलोड होनी चाहिए। अगर आप SMG4 से यूज़ करते हैं तो गाइस उसमें से एक बार में दो तीन गोलियां निकलती है, तो गोलियां जाने के बाद भाई आप लोग को जो है सिंपली गन को एक बंदे को किल कर लिया आपने, गन को रिलोड मार लो। बिना गन के रिलोड में आप नहीं लग सकते क्योंकि गन रिलोड होने के लिए कुछ टाइम लेती है। और अगर आप कम गोली के साथ किसी बंदे को मारने चले गए तो आपका गन रिलोड मांग लेगा, रिलोड मांगते आप रिलोड करने लग जाए गन के और वो बंदा आपको मार देगा। इसीलिए एक बंदे को मारने के बाद सीधा अपना गन रिलोड करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गन रिलोड कर लो अपना। तो ये थर्ड प्रोटिप। अभी फोर्थ प्रोटिप, अभी फिफ्थ प्रोटिप क्या है जो कि सबसे लास्ट प्रोटिप है, वेरी एड बार बार क्यों आ जा रहे हैं यार। तो फाइव्थ प्रोटिप ये है गाइस की जो कि लास्ट प्रोटिप होने वाला है। मैंने आपको 10 बोला था लेकिन 10 नहीं है इसमें, तो हमने रखा टॉप 5 प्रोटिप्स विच मेक यू प्रो इन ड्यूरेबल ठीक है। तो फाइव एंड लास्ट प्रोटिप गाइस ये है, अगर आपको कोई बंदा मार रहा है तो आप जो है उसके आगे पागलपंती करने लगे, मतलब कि उसके आगे एकदम जंप मारिए, जंप मार मार के दूर भाग जाइए, जिससे कि आपका उस जो बंदा आपको मार रहा है उस बंदे का आपके खिलाफ एम ही ना हो पाए, और फिर आप वैसे जंप करते करते उस बंदे को मार लीजिए। आपने गेमिंग वीडियो में देखा होगा इस मेरा, मैं कैसे वो दिखाया था, जंप करते करते मैंने एक बंदे को हवा में लिपटा दिया। तो हमेशा अगर कोई बंदा आपको मारता है तो उसके एकदम जंप वंप करने लगो ठीक है, इधर उधर भागने लगो, ताकि आपका जो उस बंदे का जो एम वो आपके ऊपर ना हो पाए और आप उस बंदे को भागते भागते गोली चलाते रहो, एक दो गोली लगेगा तो बंदा मर जाएगा। तो भाई ये थे कुछ प्रोटिप जिन जो आपको प्रो बना सकते हैं डूट थे वर्ड्स में। तो चलो गाइस थोड़ा सा मैं खेल लेता हूँ, एक मैच खेल लेते, चलो एक मैच खेलूँगा तो वीडियो एंड करना है मेरे को, बिकॉज बताए रात के बताए कितने बजे अभी 9:38 अभी 10 बजने वाले, तो वीडियो अपलोड करते हैं 10:30 बज जाएंगे आई थिंक मेरे को। तो ये बंदा को खेले मैं मैच आधे में ज्वाइन हुआ हूँ, तो थोड़ा सा खेल लेते यार मजे। चलो मैं कार्ड नहीं सोच रहा हूँ, कुछ आधे में ज्वाइन होने से मजा लगता ना यार। मेरे से पहले तो कोई बंदे ने किल कर रखा है 5 किल ठीक है। तो भैया चलो मेन मेनू में लग के एक और बार रीमैच करता हूँ मैं। ऐड देखो कितने बार आ रहे हैं गाइस, भाई ऐड छोड़ ले मेरे को भाई, ऐड पे बार बार ऐड आ जा रहे हैं यार, मैं वीडियो में जस्टिस नहीं कर पाऊँगा इतना ऐड आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। तो चलो कोई बात नहीं, होप के भी मैं फर्स्ट स्टार्टिंग से ज्वाइन हो जाऊँ, फिर से इसमें ज्वाइन हो जाए छठ यार। ये पोक्सल स्टूडियो यार ये इतना मतलब कि क्या बताऊँ यार, मैं बार बार ऐड बार बार आधे में ज्वाइन हो जा रहा हूँ गेम, मतलब कि क्या बताऊँ यार। तो और गाइज एक और गुड न्यूज़ है, यूनिक गेमर्स का जो रोस्टिंग वीडियो आपका आधा पल कंप्लीट हो चुका है ठीक है। उसका मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ना, वजह से उसने भी सोची नहीं होगी मैं कैसे बना रहा हूँ। तो चांसेस है कि इसके बाद जो है यूनिक गेमर का भाई का, यूनिक गेमर भाई क्यों बोल रहा हूँ, यूनिक गेमर का जो है रोस्टिंग वीडियो आ जाए ठीक है। तो भाई बहुत खतरनाक वाला रोस्टिंग वीडियो होने वाला है इसका ठीक है। मैंने अभी आधा आई थिंक अभी 40% इसका वीडियो जो कंप्लीट हो चुका है ठीक है। और एक बार ऐड देखो यार, ऐड वाला मतलब कि क्या कर रहे, देखो क्या आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अब लिखता हूँ नथिंग नथिंग, व्हाट इज दिस, भाई मजा आ रहा है यार, व्हाट इज दिस, ये क्या है
क्या है क्या ये भाई, क्या क्या है, मतलब भाई इतना गुस्सा आ रहा ना भाई, मैं क्या बताऊँ। अरे भाई तो कोई बात नहीं गाइस, रुको गाइस थोड़ा सा गाइस, फाइनली भगवान कैसे वैसे हमारा ऐड जो जा चुका है, चलो रिजेक्शन पे खेलते खेलते हैं, होप कि अब मैं आधे में ज्वाइन ना हूँ मैच। अब यार ये फिर से आधा ज्वाइन हो गया यार मैच में, क्या यार ना ना यार, हमको बार बार मुख करना पड़ेगा गाइस। मैं स्टार्टिंग से ही ज्वाइन होगा गाइस, मैं होप कि अभी हो जाए स्टार्टिंग से मैच, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ शटिंग से जाए, खत्म टाटा बाबा। यार ये क्या हो रहा है यार, स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ क्या, मैं कोई दिक्कत है तुमको लोग भाई, कोई दिक्कत है, मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा यार मैं। अब देखना जो कौन यहाँ पे, चलो खेलने चले गए, कुछ एक ही बंदे ने किल किया है तो मैं चलो खेलने से चले गए, तो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है बाबा। इसमें तो मारा था, मरा क्यों नहीं ब्रो, आई एम प्रो। अच्छा जी तो साले मेरा कॉपी करता है, आई एम प्रो यार। ओह अरे ये बंदा कॉपी कर रहे हैं बंदे, तू कहाँ जा रहे भाई, कहाँ भाग रहे, कहाँ भाग रहे हो। ओ भाई देखो स्कोप खोल के मारना आप लोग को, ठीक है तभी बंदे मेरे को गन रीलोड मारना है मुझे, देखो मेरे पास ओनली एक गन ओली थी, मैंने गन रीलोड मार लिया तो। और कहाँ है बंदे, और कल आ जाएगा आई थिंक गाइस जूनी गेमर का रोस्टिंग वीडियो, और अभी इस वीडियो को एंड करना थोड़ा बहुत कब सोच रहा काम कर लो चुके वीडियो का, लेट्स सी गाइस देखते हैं वीडियो, इस वीडियो को भी थंबनेल में बना के इसको भाई अपलोड करना है भाई, टाइम बहुत लगता है भाई यूट्यूबर की, मैं क्या भाई हर एक यूट्यूबर की भाई यार जो लाइव है ना भाई वीडियो बनाने की, वो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार क्या यार, ठीक है तो इसलिए भाई बोल रहा हूँ यार सब सपोर्ट करो यार, आप लोग का बस एक लाइक हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, ज़िंदगी नहीं हम लोग को जो एक कॉन्फिडेंस ला सकता है अपने एक और वीडियो बनाने का यार, तो प्लीज़ यार मोटिवेशन थोड़ा सा यार। तो गाइस वगैरह मैं अपने एवरीडे वीडियो बनाता हूँ, बहुत यार यूट्यूबर है गेमिंग में स्पेशली जो डेली वीडियो अपलोड करते हैं गेमिंग में, तो डेली वीडियो आई थिंक बहुत कम यूट्यूबर करते होंगे, कौन करते हैं कमेंट बता देना ठीक है। तो इस बंदे को मैंने कोशिश करता हूँ यार मैं, मेरे तो डेली वीडियो भाई एक एक दिन आई थिंक मेरा एक दिन जैसे एक बार मेरा वीडियो आया नहीं था दो दिन ठीक है, लेकिन उससे पहले वगैरह मैंने तीन तीन वीडियो बनाए थे उसके बैकअप पे गए ठीक है। और गए यार मैं आपको बताऊँगा गाइस मेरा स्कूल में समर छुट्टी दिया गया सबका दिया है, तो मुझे जाना है एक ट्रिप पे गए, तो इसीलिए गए मेरे को बैकअप बनाना है कल एक दिन पूरा, तो कल का वीडियो तो आएगा इसके बाद कल तीन दिन का वीडियो मैं बैकअप बना के रखूँगा ठीक है। कल तो आएगा आपका रोस्टिंग वीडियो यूनिक गेमर का ठीक है, और रोस्टिंग वीडियो फिर देखना मज़ा आएगा, देखो भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाया मैं इसका रोस्टिंग वीडियो का, ज़्यादा ही बनाया रोस्टिंग वीडियो सबसे 20 मिनट का वीडियो बनाया इसका, पूरा एक उसके एक एक वीडियो पे रिएक्ट किया भाई। और गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने उसका दो वीडियो डिलीट कर लिया अपने चैनल पर, अब यार ये मैं खेल रहा हूँ बार बार यार ऐड आ जा रहा है यार, गेम कट गया होगा जैसे भी सैड लाइफ। और देखना यार ये कि मैं गेम अच्छा खासा खेल रहा था यार ऐड आ गया, कोई बात नहीं गाइस चलो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मैं सोचा इसी बात से काम कर लेते हैं भाई। और मैं अभी जाके सीधा मैं अभी यूट्यूब पे जाऊंगा, यूट्यूब जाके देखूंगा यार कि ऐड को परमानेंटली काटने के लिए क्या प्रोसेस है। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय ठीक है। और गाइस रोस्टिंग वीडियो के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट बता देना।